सर, सुना सबने? अगर फ्लूइड रेस्ट पे रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक, और अगर फ्लूइड मोशन में होगा तो हम लोग उसे बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक। सुने सबने, क्या बोलेंगे उसे? हाइड्रोडायनेमिक, 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 ठीक है। गिव द हेडिंग हाइड्रोडायनेमिक। गाइस, हाइड्रोडायनेमिक का मतलब होता है फ्लूइड इज इन मोशन। सुने, इसका मतलब क्या होता है? फ्लूइड इज इन मोशन। जब फ्लूइड मोशन में होता है तो उसे हाइड्रोडायनेमिक कहते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। सो लिख लो एक शॉर्ट पॉइंट लिख लो इसके नीचे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड, property of fluids in motion is called what? hydrodynamic. suna sabne? ha sir. sir, properties of fluid in motion, jab fluids motion mein hote hain to usse hum log hydrodynamics kehte hain, theek hai? लिखे सबने? हाँ सर। अब गाइस, जो नेक्स्ट हेडिंग है, अब लिखना नहीं है, पहले समझ लो। नेक्स्ट हेडिंग है स्टेडी फ्लो। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? स्टेडी फ्लो का मतलब होता है गाइस, फ्लूइड एक कांस्टेंट प्रेशर या फिर वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो। सुने सबने? यस सर। जब फ्लूइड एक कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट प्रेशर से मोशन में होंगे, सो दैट इज द स्टेडी फ्लो। आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ फ्लो लाइन। फ्लो लाइन का मतलब होता है दैट पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लो लाइन। मतलब गाइस, ये जो फ्लूइड होते हैं ना, इनके जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है उसका पाथ, मतलब फ्लो लाइन का मतलब क्या है? पाथ। फ्लूइड के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के पाथ को रिप्रेजेंट करता है फ्लो लाइन। सुना सब लोगों ने? आई रिपीट एवरीवन, फ्लो लाइन का मतलब होता है पाथ। फ्लूइड के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जब पाथ पे ट्रैवल करते हैं तो उसे हम लोग फ्लो लाइन कहते हैं। सुना सब ने? यस सर। After that, guys, we are having a streamline. Our next heading is the streamline. अब streamline का मतलब होता है, ये जो streamline है ना, ये basically direction show करता है। क्या show करता है ये? Direction. Direction show करता है कि मतलब जो हमारे fluids हैं वो कौन से path पे travel करेंगे, curve path या फिर straight path। सुना? जैसे पानी गिरता है ना आप लोगों के घर में, तो आप लोग पानी में अगर पाथ बना दोगे तो पूरा फ्लूइड उसी पाथ पे ट्रैवल करेगा। यस और नो? यस सर। जब पूरा फ्लूइड उसी पाथ पे ट्रैवल करता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन। तो एक काम करो, घर पे ना एक ड्रम पानी पलट दो, ठीक है? एक ड्रम थोड़ा ज्यादा हो गया, एक काम करो थोड़ा सा पानी गिराओ और उस पर पाथ बना दो। सुने? हाँ सर। तो जब फ्लूइड उसी पर्टिकुलर पाथ पे ट्रैवल करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन। सुने? हाँ सर। हाँ सर। आफ्टर दैट गाइस, वी हैविंग अ फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब, फ्लो ट्यूब का मतलब है, कभी पाइप से पानी गिरते हुए देखा है? हाँ सर। यस सर। जब बंडल्स ऑफ फ्लो ऑफ लाइंस एक ट्यूब से नीचे गिरेंगे, बंडल्स ऑफ फ्लो ऑफ लाइंस मतलब समझे, जब पानी का एक मोटा लेयर एक पाइप से नीचे गिरेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे फ्लो ऑफ ट्यूब या फिर फ्लो ट्यूब बोलेंगे। सुने? क्या बोले सर, वापस बताओ ना। अरे, पाइप से जो पानी गिरता है ना तो उसमें बहुत सारे पानी के लेयर्स होते हैं ना,
हाँ सर, उसको बोलेंगे बंडल्स ऑफ फ्लो ऑफ लाइन. क्या बोलेंगे? बंडल्स ऑफ फ्लो ऑफ लाइन. फ्लो ऑफ लाइन विच इज कमिंग फ्रॉम द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो ये जो फ्लो ऑफ लाइन है ये ट्यूब के वॉल्व को क्रॉस नहीं करते. मतलब क्या पाइप से पानी बाहर निकलता है क्या? अगर पाइप से पानी बाहर निकलेगा मतलब कहीं साइड से, फॉर एग्जाम्पल ये एक पाइप है, ठीक है, इसके अंदर से पानी क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से पानी नहीं निकलेगा, ये सुनो, पानी यहाँ से नीचे गिरेगा एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में. कभी पाइप से पानी नीचे गिरते हुए देखा है? एकदम ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में ही नीचे गिरता है. हाँ सर. हाँ सर. जिससे फ्लो ट्यूब कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्लो ट्यूब. फ्लो ट्यूब. सुना सब लोगों ने फ्लो ट्यूब क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक था. हाइड्रोस्टैटिक का मतलब मैंने क्या बताया था? फ्लूइड इज एट रेस्ट. क्या बताया था? फ्लूइड इज एट रेस्ट. तो फ्लूइड इज एट रेस्ट मतलब फ्लूइड रेस्ट पे क्यों थी? सरफेस टेंशन के वजह से. तो पूरा सरफेस टेंशन का पंचायत किया हम लोगों ने. यस और नो? यस सर. यस सर. अब उसके बाद गाइस क्या मिला हमें? हाइड्रोडायनेमिक. हाइड्रोडायनेमिक का मतलब होता है फ्लूइड इज इन मोशन. क्या मतलब होता है? फ्लूइड इज इन मोशन. फ्लूइड इज इन मोशन. तो फ्लूइड इज इन मोशन में ये पॉइंट्स कवर अप होते हैं. सुना आप लोगों ने? कौन कौन से? हाँ सर. मतलब फ्लूइड एक कांस्टेंट प्रेशर और वेलोसिटी से मूव करता है. फ्लो लाइन मतलब फ्लूइड के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का पाथ. स्ट्रीम लाइन ये डिसाइड करते हैं उनका डायरेक्शन कि कौन से पाथ पे ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट या फिर कर्व. फ्लो ट्यूब मतलब जो बंडल्स ऑफ फ्लो ऑफ लाइन है विच इज ट्रैवल फ्रॉम द वॉल ऑफ ट्यूब. मतलब ट्यूब के वॉल से वो बाहर नहीं निकल सकते, वो एक ट्यूब स्ट्रक्चर में ही नीचे गिरेंगे. राइट? यस सर. हाँ. स्टेडी फ्लो का एक बार फिर से बताना. फ्लो इन विच मेजरेबल प्रॉपर्टी सच अ प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कॉन्स्टेंट. स्टेडी फ्लो में प्रेशर एंड वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है. सुने? सुना सब? सर ये लिखवाओगे ना आप? लिसन, आप लोगों के टेक्स्ट बुक पे या फिर नोट्स में ना ये मिल जाएगा आप लोगों को डेफिनेशन. एक सेकंड ना मैं बताता हूँ आप लोगों के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर किस में है. वेट. हाँ, क्या बोल रहे हो? पेज नंबर पे. अरे तो थोड़ा जोर से बोलो सर. 44. 44 पे है सर. पेज नंबर 44 निकाल लो भाई. सब लोग दिखा सब लोगों को 44. तो देखो स्टेडी फ्लो, फ्लो लाइन, स्ट्रीम लाइन, फ्लो ट्यूब. दिखा? हाँ सर. हाँ सर. उसके बाद हमारे पास है स्ट्रीम लाइन. क्या है? स्ट्रीम लाइन. तो पेज नंबर 45 पे आ जाओ. स्ट्रीम लाइन फ्लो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? स्ट्रीम लाइन फ्लो को हम लोग लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लैमिनार फ्लो. अब गाइस लैमिनार फ्लो कैसे होता है पहले वो समझ लो. बेसिकली अगर आप किसी नदी वगैरह के अंदर खड़े हो गए तो आपको फील होगा कि जो पानी का ऊपर का लेयर है बहुत ही फास्टली मूव हो रहा है. यस नो? लेकिन जो अंदर के लेयर है उसमें इतनी मूवमेंट हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता. कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने इस तरीके से? हाँ सर. जो अगर हम लोग लेक वगैरह में खड़े होते हैं ना, नदी वगैरह में, तो पानी का ऊपर का लेयर हमें बहुत ही फास्टली मूव होता हुआ ऐसा फील होता है, लेकिन अंदर के लेयर इतने ज्यादा फास्टली मूव नहीं होते हैं. होता क्या है कि ऊपर का जो लेयर है काफी स्पीड में ट्रैवल कर रहा है और जो नीचे का लेयर है वो ऊपर के लेयर के वजह से फ्रिक्शन फील करता है जिसकी वजह से उसका स्पीड कम होता है. सिमिलरली जो उसके नीचे का लेयर है वो ऊपर के लेयर से फ्रिक्शन फील करता है और ऐसे ही करते करते अंदर के लेयर की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. इसे बोलते हैं लैमिनार फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो. सुने? हाँ सर. मतलब ये स्मूथली मूव होते हैं. कैसे मूव होते हैं? स्मूथली. अब अगर गाइस इनका सडनली स्पीड बढ़ा दिया जाए तो ये इरेगुलर शेप में आते हैं और ऐसे घूमने लगते हैं. सुने आप लोगों ना?
इसे बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो. क्या बोलते हैं इसे? टर्बुलेंट फ्लो. सुना आप लोगों ने? जैसे कि आप लोगों ने वॉशिंग मशीन में देखा होगा जो फ्लूइड्स होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग वहां पे स्पीड बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से तो वो जो पानी ऐसा घूमने लगता है. यस सर? नो? यस सर. तभी आप लोगों ने अपने आसपास एरिया में देखा होगा कचरे कभी कभी गोल गोल घूमने लगते हैं. कभी देखा है आप लोगों ने? थोड़ा बहुत कचरा होता है वो घूमने लगता है ऐसा गोल गोल. गाइस, टॉर्नेडो, साइक्लोन, जो पानी के अंदर वर्लपूल्स बनते हैं, ये सारे के सारे टर्बुलेंट फ्लो हैं. कैसे बनते हैं? जब हमारे लेयर्स की, हमारे फ्लूइड की स्पीड सडनली इंक्रीज हो जाती है. सुना आप लोगों ने? अगर इनकी स्पीड सडनली इंक्रीज हो जाती है तो क्या क्रिएट होता है? टर्बुलेंस. याद रहेगा? तो अब से पानी के अंदर जब भी वर्लपूल बनते हुए देखोगे, साइक्लोन देखोगे, टॉर्नेडो देखोगे, ओके, तो इन सबको आप लोग क्या बोलोगे? टर्बुलेंट फ्लो. क्या बोलोगे? टर्बुलेंट फ्लो. समझ में आया टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? हाँ सर. गाइस, हाँ सर, जब पानी फोर्स में भी आता है तो उसे भी टर्बुलेंट फ्लो बोल सकते हैं, पाइप या ऐसे इसमें से जब बहुत फोर्स में आता है. हाँ, तो देखो जब वो बकेट के अंदर गिरता है तो पानी गोल गोल घूमता है. जब भी आप लोग पाइप से पानी किसी बकेट के अंदर भरोगे ना तो पानी बहुत ही फास्ट होने की वजह से पानी बकेट के में मतलब ऐसा गोल गोल घूमता है, मतलब वर्लपूल जैसा घूमता है. कभी आप ऑब्जर्व करना, डायरेक्ट नहीं, कोई पाइप ले लो, उस पाइप से पानी भरो, तो बकेट के अंदर जब पानी से मतलब पाइप से पानी भरोगे तो उसके अंदर का बकेट के अंदर का जो पानी होता है वो घूमने लगता है टर्बुलेंट की तरह. तो वहां पर भी टर्बुलेंट फ्लो, मतलब सडनली स्पीड इंक्रीज होगी तो जो भी फ्लूइड है वो सर्कल में घूमना शुरू हो जाएंगे. ये बात याद रखना है आपको. इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर. हाँ, फ्लश करते हैं तो भी घूमता है, बराबर है. कितना गंदा एग्जांपल देता रहे तुम लोग, गंदा लोग. ओके, समझ में आया सब लोगों को? हाँ सर. अब गाइस, वहां पे एक डिस्टिंग्विश दिया हुआ है, दिख रहा है ना पेज नंबर 44 पे? हाँ सर. टर्बुलेंट फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, वो डिस्टिंग्विश कर लेना. ओके, बोलो. हाँ हाँ हाँ. आगे बढ़े. हाँ सर. अब गाइस, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग. लिखे? यस सर. राइट डाउन द वेलोसिटी बियॉन्ड, द वेलोसिटी बियॉन्ड the velocity beyond which a streamline flow becomes turbulent is called critical velocity. मतलब गाइस, जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे हमारा स्ट्रीम लाइन टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होगा उसे हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं. सुना सबने? रब कर दो. यस सर. अब गाइस, नेक्स्ट हेडिंग दे दो, रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर.
वी एडिंग गाइज रेनॉल्ड नंबर ने क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था कि कौन से पर्टिकुलर वेलोसिटी पे मतलब जो हमारा फ्लूइड होता है वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होता है तो उसका फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू आर एन इंटू ईटा अपॉन डेंसिटी इंटू डी अब गाइस वीसी का मतलब है क्रिटिकल वेलोसिटी क्या मतलब है क्रिटिकल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी आर एन का मतलब है रेनॉल्ड नंबर समझे ईटा का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गाइस इस पे हम लोग और डिटेल में बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रो का मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डी का मतलब है डायमीटर डायमीटर ऑफ ट्यूब डायमीटर ऑफ ट्यूब ये लिख लो गाइस अब गाइस अगर मैं यहाँ पे आर फाइंड आउट करूं पहले लिख देख लो फिर उसके बाद लिखो अगर मैं आर एन फाइंड आउट करूंगा तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला मिलेगा क्रिटिकल स्पीड डेंसिटी डायमीटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसे इक्वेशन वन दे दो इसे इक्वेशन टू लिख लो पूरा ये Done, sir. Done, everyone. Yes, sir. अब गाइस इसके नीचे पहला पॉइंट लिखो इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशंस इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशंस लिखे यस सर सेकेंड पॉइंट लिखो ये रब कर दूं चलेगा यस सर गाइस फर्स्ट पॉइंट लिखो इफ वैल्यू ऑफ आर एन का मतलब रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 1000 then the flow of liquid is flow of liquid is streamline streamline or laminar guys इसी रेनॉल्ड नंबर से हम लोग ये पता करते हैं कि कब हमारा जो फ्लूइड है वो स्ट्रीमलाइन रहेगा मतलब स्मूथ रहेगा और कब ये टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होने वाला है और कब ये टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो चुका है
आप लोगों ने देखा होगा जो वेदर प्रिडिक्शन वाले हैं, याद है ना, ताउते तूफान, उनको कैसे पता चलता है कि मतलब कब तूफान आने वाला है? तो बेसिकली ये जो रेनॉल्ड नंबर है ये एक्चुअल नंबर होता है जिसकी काउंटिंग से हमें पता चल जाता है कि ये जो लेयर है कब ये मतलब टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होने वाले, मतलब तूफान कब बनने वाला है और कब ये नॉर्मल रहने वाले हैं। सुना आप लोगों ने? ये बात का पता हम लोगों को रेनॉल्ड नंबर से ही चलता है। सुना सबने? हाँ सर। तो लिखे सब लोगों ने यहाँ तक, फर्स्ट पॉइंट लिखा मतलब थाउजेंड, लेस देन थाउजेंड होगा तो जो फ्लूइड है वो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, राइट? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ वैल्यू ऑफ आर एन, इफ वैल्यू ऑफ आर एन इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन 2000, इज ग्रेटर देन 2000, देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज, देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट, सर एक बार रिपीट कर। ये देखो लिखा है, दिख रहा है स्क्रीन पे? yes. ये आपका सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है। If value of Rn is greater than 2000, the flow of liquid is turbulent. लिखे? हाँ सर। समझ में? अगर 2000 से ज्यादा होगा फ्लूइड मतलब टर्बुलेंट नंबर का काउंटिंग, तो वहां पर लोग समझ जाते हैं कि भाई अब ये जो फ्लूइड है ये टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब तूफान आ चुका है, समझे? हाँ सर। थर्ड पॉइंट लिखो, व्हेन आरएन, व्हेन आरएन लाइज, व्हेन आरएन लाइज बिटवीन 1000 एंड 2000, लाइज बिटवीन 1000 एंड 2000, then laminar flow changes to turbulent flow, samjhe ye sare points? हाँ, 1000 और 2000 के बीच में होगा मतलब ये स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होने वाला है। ये तीनों पॉइंट्स याद रहेंगे सबको? हाँ, यस सर। अगर 1000 से कम हुआ तो स्ट्रीम लाइन, 2000 से ज्यादा हुआ तो टर्बुलेंट फ्लो, 1000 और 2000 के बीच में रहा तो ये स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट फ्लो में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है, राइट? Yes, sir. Now, guys, we are having a viscous. हो गया, ये समझ में आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। Yes. रब, ये रब कर दूँ चलेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। अब guys, next heading आता है viscous. क्या आता है? Viscous. Viscous और viscosity. विस्कस और विस्कोसिटी। अब गाइस ये जो विस्कस और विस्कोसिटी है, विस्कस का मतलब होता है थिकनेस, मतलब गाढ़ापन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हर फ्लूइड के अंदर कोई ना कोई थिकनेस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग नॉर्मल रोड सरफेस पे चल रहे हैं, सो एट दैट टाइम वी आर एबल टू वॉक फास्ट, यस और नो? यस सर। लेकिन जब हम लोग पानी के अंदर चलते हैं तो क्या हम उतना फास्टली मूव हो पा रहे हैं क्या? नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि जो पानी के अंदर का विस्कस है वो हमारे बॉडी के मोशन को अपोज करता है, ठीक है?
विस्कस का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। तो सबसे ज्यादा विस्कस किसके अंदर होता है? हनी। हनी में सबसे ज्यादा विस्कस होता है, क्योंकि अगर आप हनी के अंदर चलने की कोशिश करोगे तो आप चल ही नहीं पाओगे, आप स्टक हो जाओगे। ठीक है, विस्कस का मतलब समझे सब? हाँ सर। अब गाइस हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है विस्कस ड्रैग, जिसको विस्कस फोर्स भी कहते हैं। किसका माइक है यार, म्यूट पे कर लो। आचल आचल, ओके। अब गाइस विस्कस ड्रैग का मतलब होता है विस्कस फोर्स। विस्कस ड्रैग गाइस, ड्रैग का मतलब फोर्स। ठीक है, ड्रैग का मतलब क्या है? फोर्स। विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स। अब विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स का मतलब होता है कि जब हम लोग पानी में ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर पानी में हम लोग चल रहे होते हैं, तो होता क्या है एग्जैक्टली कि हम लोग जब पानी के अंदर चल रहे होते हैं तो पानी का जो विस्कस है हमारे अंदर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हम लोग इसको विस्कस ड्रैग कहते हैं या फिर विस्कस फोर्स। मतलब फ्लूइड की वजह से जनरेट होने वाले फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी का मोशन अपोज क्यों हो रहा है? विस्कस फोर्स की वजह से या फिर विस्कस ड्रैग की वजह से? सुने सबने? Yes, sir. अब गाइस विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग का डेफिनेशन आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में है, वेट मैं बताता हूँ। देखो पेज नंबर 45 दिखा। यस एक्चुअली यहाँ पर ना प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। आप लोगों के पास नोट्स है क्या? एक काम करो, डेफिनेशन आप लोग अपने नोट से डेफिनेशन कर सकते हैं। विस्कोसिटी और विस्कस ड्रैग का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है? हाँ सर। हेडिंग लिख के रखो, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पर विस्कस ड्रैग का डेफिनेशन है आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 46 2.30 डायग्राम के ऊपर देखो। Viscosity is that property of fluid by virtue of which the relative motion between different layers of a fluid experience a dragging force. This force is called viscous drag. Mila? हाँ सर। तो गाइस ये viscous drag या फिर viscosity force का definition है, और विस्कस का या फिर विस्कोसिटी का डेफिनेशन आप लोगों को अपने नोट से मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने कोई न्यूमेरिकल किया था क्या? नहीं नहीं सर, न्यूमेरिकल नहीं किए थे। नहीं सर। ओके ओके, अब गाइस नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखे? हाँ सर। राइट ऑन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी the rate of change of velocity dv with distance dx measured from a stationary
लेयर, स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख लो डीवी बाय डीएक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, ऐसा भी लिख सकते हो, इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट. आई रिपीट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है? यस सर. फॉर्मूला लिख लो. Done. Done everyone. लिखे सबने? हाँ सर. आगे बढ़े? Yes. Yes sir. Okay. अब guys, next heading लिखो, state and explain Newton's laws of viscosity. State and explain. Newton's law of viscosity. Newton's law of viscosity. लिखे सबने? Yes sir. Okay. अब गाइस न्यूटन क्या बोलता है पहले समझ लो, उसके बाद में स्टेटमेंट वगैरह देता हूँ. ठीक है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, viscous force which is directly proportional to area and directly proportional to velocity gradient, matlab dv upon dx, dono ko ek sath mein likhenge to area dv upon dx, when we convert into a equal sign, at that time we required something constant proportionality, so here we'll use the eta a dv upon dx. Guys, ye viscous force न्यूटन के अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स का फॉर्मूला मिला है पहला. अब ईटा का मतलब मैंने पहले भी बता दिया है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है. क्या है ये? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने रेनॉल्ड नंबर में लिखा था, मैंने बोला था इस पे बात करने वाले हम लोग. यस सर. कोएफिशिएंट of viscosity. ठीक है? अब coefficient of viscosity के बाद guys, यहाँ पे coefficient का of viscosity का भी एक formula create हो जाता है. अगर equation number one से मैं eta find out करूँ, तो क्या मिलेगा? F. Yes or no? आवाज आ रही है मेरी? हाँ sir. Upon, yes. dv upon dx. dv upon dx का मतलब क्या है? velocity gradient. मतलब coefficient of viscosity का definition कैसे होगा? viscous force per unit velocity gradient per unit area. सुने आप लोगों ने? coefficient of viscosity मतलब viscous force per unit velocity gradient per unit area. Is that clear all? Yes sir. Yes sir. तो गाइस पहला हेडिंग लिखो स्टेटमेंट. फर्स्ट हेडिंग लिखो स्टेटमेंट. क्वेश्चन लिखे थे ना, उसके नीचे लिखो स्टेटमेंट. राइट डाउन, फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर्स, फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो विस्कस फोर्स acting on any layer, viscous force acting on any layers is directly proportional to area of the layer and velocity gradient. Area of the layer, I repeat, for streamline flow, the viscous force acting on any layer, any layers,
is directly proportional to area of the layer and velocity gradient. Area of the layer and velocity gradient. लिखे सबने? Yes sir. अब यहां तक लिखोगे, यहां तक, नीचे का नहीं लिखना, ये नीचे का ब्रैकेट वाला टर्म बाद में लिखना, ठीक है? पहले ऊपर के स्टेप्स लिख लो. सर बोलो. सर ये डीवी अपॉन डीएक्स कैसे आया? वेलोसिटी ग्रेडियंट का स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखे थे? नहीं सर, मतलब वापस बोलो, क्या बोले रिद्धि? मतलब वही है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जब भी कोई भी लेयर ऊपर से चल रहा होता है ना, तो वो नीचे से कितनी फिक्स लेयर के ऊपर है और उसकी वेलोसिटी में कितना चेंजेस आ रहा है. मतलब रेस्ट से लेकर वेलोसिटी तक का ऑब्जर्वेशन जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट में हो रहा है. हाँ, मतलब सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, इतना याद रखो. एक फिक्स डिस्टेंस से वेलोसिटी कितनी स्पीड हो रही है, स्पीड अप हो रही है. लिखे सब लोगों ने? और सर ए एरिया क्या है? एरिया ऑफ लेयर, लेयर जिस एरिया में पूरा स्प्रेड आउट होता है. मतलब विस्कस फोर्स जो है वो दो चीजों से अफेक्ट होता है, एरिया ऑफ लेयर और वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट. देखो मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था ना कि ऊपर का लेयर बहुत ही फास्टली मूव होता है और नीचे के जो लेयर्स हैं वो ऊपर के फ्रिक्शन के वजह से स्लो हो जाते हैं, राइट? हाँ सर. तो वहीं पे क्रिएट होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट. यस सर. लिखे सबने? यस. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. Coefficient of viscosity. लिखे? हाँ सर. Write down the coefficient of viscosity is defined as the coefficient of viscosity is defined as the viscous force. The coefficient of viscosity is defined as the viscous force per unit area, per unit time, per unit area, per unit time not time sorry ha huh? per unit area, per unit velocity gradient, not time. Time ko cancel kar do. Viscous force per unit area per unit velocity gradient. लिखे? Yes. ये रहा उसका formula, velocity gradient का formula. Guys, formula देख के भी आप लोग definition लिख सकते हो. याद है ना मैंने आप लोगों को बताया था? हाँ sir. Numerator per unit denominator. हाँ sir. So viscous force per unit area per unit velocity gradient. ये definition लिखने का सबसे shortcut तरीका होता है. फॉर्मूला देख के इजीली डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है? यस सर. एन है ना? एन नहीं है बच्चा, ईटा है. ईटा है, ईटा. कैसे प्रोनाउंस करते सर उसको? ईट पत्थर, ईटा. ओके सर. ओके सर. घर घर किससे बनता है? ईटा से. हाँ, इटा इटा से.
इस सिंबल का नाम ईटा है, ओके? हाँ सर। अब इसको पत्थर नहीं समझ लेना भाई, मैंने याद करने के लिए ऐसा बता दिया, गलत नहीं समझना, तुम लोग पे भरोसा है मुझे। जब से थीटा लग रहा था, अरे ईटा ईटा बहरो अंधो गजनियों, अरे कौन से लेवल का जानवर है तुम लोग, पाप लगेगा तुम लोगों को, है ना? मतलब देखो, पहले तो मतलब क्लासरूम में हम लोग आते थे, अच्छा एक नाम भूल गया, कौन सा भूल गया रिद्धि, बिवड़ा? हाँ सर। बोलते ईटा और थीटा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ेंगे खुशहाल, जिस दिन डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे ना उस दिन छोड़ देंगे, ठीक है? बहुत दुख है तुम लोगों का, क्या गुंडा बने करे बाबा तुम लोग, एक काम करो, एक दो दो बंदूक ले लो, दुखी दुख है, अरे अरे ब्लडी शादीशुदा लोग। तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है, खरीद लिया अहमद ने, खरीद लिया भाई पानी वाला बंदूक खरीद लिया, हाँ उसमें दो दो लीटर पानी डालो, ठीक है अहमद? ये मेरे लिए, मैं क्या करेगा, मेरी लाइफ पेन में चली जाएगी, अपनी कलम की ताकत है, गुंडा बना। अरे अहमद आप गुंडा बने सर, मेरे को गुंडा बना आज, तुम लोगों को मेरी अच्छी भली लाइफ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? कितने तेजस्वी लोग हो आप लोग, ये जानवर हो तुम लोगों ने फॉर्मूला लिखा कि नहीं? यस यस। अच्छा मतलब इन लोगों को हवा देने की जरूरत है, देखो शुरू हो गया तो मतलब लगे ही है, अरे पाप लगेगा रे तुम लोगों को, कहां तुम लोग मोह माया में फंसे हो, अरे पापी तुम लोग का पाप बढ़ते जा रहा है, पाप से पापी हो गया, फिर पपैया, फिर पम्पकिन, कुछ तो शर्म करो, अरे बेशर्मो तुम लोग अपने बेइज्जती का भी मजा लेते हो, अरे कौन सा लेवल का तुम लोग पापी है, जैकफ्रूट नहीं है पम्पकिन सबसे बड़ा होता है, अरे ये लोग कितना चैट करता है, बोलता है सर कल जा रहा हूँ गंगा नहाने, अरे नहा लो गंगा में डुबकी मारने जा रहे, अरे तुम लोग छोटी गंगा में नहाओ, वो बांद्रा में मीठी नदी है ना वहां पे नहाओ जाके। अरे तुम लोग का क्या होगा रे बाबा, तुम लोग बेइज्जती नहीं फील करता, अब तो कलयुग आ ही गया है, अब तो मुझे भरोसा हो गया सच में कलयुग आ गया है, ओके अरे बस करो जानवर पढ़ाने दो, आप लगेगा तुम लोगों को, नेक्स्ट हेडिंग स्टोक्स लॉ, बस करो जानवरों, नेक्स्ट हेडिंग स्टोक्स लॉ, पहले भलाई का जमाना ही नहीं है मीट, अरे बैन स्टॉक्स नहीं है, बैन नहीं भाई है। ये स्टॉक्स बैन नहीं है भाई है। अरे जानवर, अरे गजनी हो तुम लोग, गजनी, हाँ मैं क्रिकेटर हूँ तो तुम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, मीत अमिताभ बच्चन है, तुम लोग ठीक नहीं है रे,
स्टोक्स लॉ लिखा तुम लोगों ने? ओके अब गाइस स्टोक्स लॉ का मतलब है कि जब कोई भी एक स्पीयर, अरे बस करो बे, जब कोई भी एक स्पीयर किसी भी विस्कस मीडियम से ट्रैवल करेगा तो वहां पे स्टोक्स लॉ का ऑब्जर्वेशन होता है. सुना आप लोगों ने? हाँ सर. अ स्मॉल हैवी स्पीयर फॉलिंग थ्रू अ मीडियम, कौन सा मीडियम? फ्लूइड मीडियम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. तो मतलब स्टोक्स लॉ ने भी विस्कस फोर्स का एक फॉर्मूला दिया, दैट विस्कस फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्पीयर, and directly proportional to velocity of the sphere. When we convert into a equal sign, at that time we required something constant proportionality. I repeat everyone, according to the Stokes law, that viscous force which is directly proportional to the coefficient of viscosity, directly proportional to the radius of the sphere, and directly proportional to the velocity of that sphere. Equal sign mein convert karenge, we required something constant proportionality. So keep that eta rv as it is. यहाँ पे के को रिप्लेस करेंगे 6 पाई से. सुना? हाँ सर. के को किससे रिप्लेस करेंगे? 6 पाई से. सो दैट फॉर्मूला विल लुक लाइक एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. मतलब अभी तक विस्कस फोर्स के अपने पास दो फॉर्मूला हो गए, एक न्यूटन के अकॉर्डिंग, एक स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग. समझे? बोलो. हाँ हाँ सर. राइट डाउन स्टेटमेंट लिखो स्टोक्स लॉ का. द विस्कस फोर्स, the viscous force acting on a, the viscous force acting on a small sphere, the viscous force acting on a small sphere falling through a medium is directly proportional to the falling through a medium is directly proportional to the radius r, is directly proportional to the radius r of this sphere, radius r of this sphere, its velocity v through fluid, its velocity v through fluid, and coefficient of viscosity of the fluid, and coefficient of viscosity of the fluid. I repeat everyone, the viscous force acting on a small sphere is directly proportional to the radius r of the sphere and its velocity v through fluid and coefficient of viscosity eta of the fluid. Guys, ye formula likh lo formula. Janwaro, formula likh lo. Done sir. खुशहाल आज लेक्चर आप लोगों का ना मॉर्निंग में 4 बजे तक है. अरे क्या करेगा घर पे जाके भाई, घर पे ही तो बैठा है. हाँ वहां पे वही बीवी के मार खा के सो जाएगा, कम से कम पढ़ते तो रहेगा, यहाँ पे लेक्चर में रहेगा तो भलाई का जमाना ही नहीं है. सिक्स पाई किधर से आया? कॉन्स्टेंट नंबर है बच्चा, जैसे काइनेटिक एनर्जी का 1/2 कॉन्स्टेंट है ना, वैसे ये भी कॉन्स्टेंट है. एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया हुआ है, डेरिवेशन के थ्रू नहीं. ओके हाँ सर. लिखे सबने? अरे एक ही बार लिखना है, कितनी बार लिखता है तुम लोग? लिखिए सर. सही बात है. अरे तू शादी किया, मेरे को बताया ही नहीं तो कैसे दूंगा? खुशहाल आज तेरे को 2 डेरिवेशन एक्स्ट्रा. खुशहाल उस डेरिवेशन को आप 10-10 बार लिखोगे, तू भी क्या याद करेगा? समझ रहे हो?
दोनों मियां बीबी बैठ के डेरिवेशन सॉल्व करो. ठीक है गुजाल. अब गुजाल नहीं बोले. आज ही डिवोर्स ले रहा. क्या यार तुम लोग गिफ्ट की बात सुनते ही डिवोर्स ले रहा है. ये भगवान कैसा गुंडा बने करे बाबा. भलाई का जमाना ही नहीं है. बताओ गिफ्ट देने पे कौन डाइवर्स लेता है. सर कुछ ज्यादा ही महंगा गिफ्ट दे दिया आपने. बताओ एक फिजिक्स के टीचर से और क्या उम्मीद रखते हो तुम लोग. दो चार डेरिवेशन, 10-15 न्यूमेरिकल, दो चार चैप्टर यही दे दूंगा गिफ्ट में. नहीं तो आरडी शर्मा की गुप्त तुम लोग बुक गिफ्ट कर दूंगा तुम लोगों को, या पी नीट और जेई की बुक्स. जहर रिद्धि जहर नहीं, नींबू पानी पियो. आप चढ़ गई है ज्यादा आपको. नहीं बोलते है, ये देखो साइमा बोलती है बैंक रोड पे चलने के लिए गाड़ी दे दो. ठीक है गाड़ी ले लो. और सर हवा में उड़ने के लिए एरोप्लेन भी. हाँ बराबर बराबर बराबर. मैं तुम लोग को पढ़ाने थोड़ी ना, मैं तुम लोग को गोद ले लिया हूँ है ना. प्लेन, पेपर, गाड़ी, शादी का गिफ्ट, बराबर है. सही सही. ये देखो अहमद बोलता है मेरे को अपनी प्रॉपर्टी दे दे. मेरे पास कुछ नहीं है रे अहमद, कुछ नहीं है मेरे पास. मैं रोड पे ऐसा ब्रिज के ऊपर सोता हूँ. मतलब कितनी बुरी नजर है इन लोगों की. बोलता है मेरे को अपनी प्रॉपर्टी दे. अरे पाप लगेगा अहमद. बराबर है सौरभ. ये देखो अरे ये तो मेरा पूरा प्रॉपर्टी का पता करके. अबे अहमद पाप लगेगा रे तेरे को, गलत जगह तेरी. नालस बार में प्लॉट दिला. सही है. अरे तुम लोग पढ़ने ही आए हो कि मुझे लूटने आए हो बे. दिमाग और किडनी तक ले लिए तुम लोग. अरे भगवान भगवान से डरो रे बाबा. हाँ गुरु हत्या लगेगा तुम लोगों को. गाइस वन सेकंड. हेलो ये बस करो तुम लोग. ये हुआ लिख के रब कर दूं मैं. हाँ रिद्धि को कहने चाहिए बोलते. अरे जानवर रिद्धि बोलती आ दे दो. अद होती है पॉजिटिविटी की भी. हाँ इसी बात पे हम लोग डेरिवेशन करेंगे. अब राइट डाउन. पहले टर्मिनल वेलोसिटी हेडिंग दो. हाँ तुम लोग बोलते रहो, बोलने में कुछ नहीं जाता. देखो गलत फैमिली रखना अच्छी बात है. ठीक है. हाँ अहमद को, अहमद की बीवी के लिए, उसके बच्चे के लिए, सास ससुर के लिए, आजू बाजू वाले के लिए, सबके लिए मैं कुछ ना कुछ देता हूँ. चिंता मत करो तुम लोग. मेरे को पाव पाव किलो बांट के लेके जाओ तुम लोग. बस 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 राइट डाउन टर्मिनल वेलोसिटी. अरे बस करो जानवरों. डेफिनेशन बोलने जा रहा हूँ, फिर छूटेगा तो बोलना नहीं. टर्मिनल वेलोसिटी डेफिनेशन. द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड acquired, the constant maximum velocity acquired by a body falling through, by a body falling through
falling through a viscous liquid, falling through a viscous liquid, falling through a viscous liquid is called what? Terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी गाइस, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये होता है, जैसे अभी स्टोक्स लॉ ने ऑब्जर्व किया कि जब विस्कस फोर्स कब अप्लाई करता है, जब कोई भी स्पीयर, मतलब स्टोक्स लॉ का ऑब्जर्वेशन था कि जब कोई एक स्मॉल स्पीयर किसी भी फ्लूइड मीडियम से ट्रैवल करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी था ना, वी का मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पानी में या फिर एयर में ट्रैवल करना शुरू करता है तो वहां पे अप्लाई होता है टर्मिनल वेलोसिटी। सो फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को बुर्ज खलीफा पे ले जाके वहां से धक्का दे दूं, आपको चिल्लाते हुए नीचे गिरना है, इट इज अ टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट विच शुड बी ट्रैवल इन अ विस्कस मीडियम। बोलो हाँ। अरे अहमद, पैराशूट बांध लेना भाई, पैराशूट बांधने के बाद ऐसा फेंकेगा। तुम लोग मेरे को जितना बुरा समझता है, उतना बुरा हूं नहीं मैं। सर, टर्मिनल वेलोसिटी फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे ही काम करेगा? यस, फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे ही काम करेगा। ये लोग गलत आदमी लोग हैं, क्या क्या भूल जाता है। हाँ, अरे पाप लगेगा रे तुम लोगों को, पापियो पमकिनो। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बस करो लिखो अब। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर the terminal velocity, obtain an expression for the terminal velocity of a small sphere falling under gravity through a viscous fluid। लिखे सबने? हाँ सर। I repeat that question once again everyone। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ सर। पता नहीं क्या 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 क्या, क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं लोग, पागल हो गए लोग। Obtain an expression for terminal velocity of a small sphere falling under gravity through a viscous fluid। लिखे सबने? बोलो हाँ। हाँ सर। Now guys, here we took the one beaker, that beaker which is containing a water। बीकर क्या कंटेन कर रहा है? वाटर कंटेक्ट कर रहा है, राइट? इसका पानी हम लोग कर देते हैं ब्लू। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन था, वी हैविंग अ वन स्मॉल स्पीयर which is traveling through the medium of viscous, ठीक है? तो गाइस अब यहाँ पे कुछ चीजें मैंने, देखो तीन एरोज बना रखे हैं, दिख रहा है आप लोगों को? एरोज हैं, जब तक ये जो हम लोग जैसे स्पीयर फेंकेंगे तो ये अपने वेट के वजह से डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा। गाइस डीएफ का मतलब डाउनवर्ड फोर्स, हाँ आपको कंप्लीट फॉर्म में लिखना। तो डाउनवर्ड फोर्स किसकी वजह से अप्लाई हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट के वेट के वजह से। यस और नो? यस सर। यस और नो ऑल?
अब ये जो ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पर दो चीजें एप्लीकेबल होंगी, याद रखना यहाँ पर कितनी चीजें एप्लीकेबल हैं, दो। सबसे पहला अप थ्रस्ट क्या होगा, अप थ्रस्ट, और दूसरा विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, VF का मतलब विस्कस फोर्स और DF का मतलब डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स में सिर्फ वेट है और अपवर्ड फोर्स में दो चीजें हैं, कौन कौन सा? अप थ्रस्ट और विस्कस फोर्स। सुना सबने क्या क्या yes, है? अप थ्रस्ट और विस्कस फोर्स, ठीक है। अब एक काम करो, ये डायग्राम बनाओ, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये डायग्राम बना लो, बना लिए डायग्राम? यस सर। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर अ स्फीयर, कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कंसीडर अ स्फीयर, कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो, and density rho, and density rho falling under the gravity, falling under the gravity, falling under the gravity through a liquid density sigma, through a liquid density sigma। सुना आप लोगों ने, ये सिग्मा किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की। सुने? हाँ सर। लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, साइमा नहीं सिग्मा खुशहाल। अरे तुम लोग अपना कान डोनेट कर दो रे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैं बोलता हूँ सिग्मा, उसको सुनाई देता है साइमा। अरे कैसा, तुम लोग कौन सा लेवल का जानवर है रे? सर ग्रेविटी के बाद रिपीट करो ना। ग्रेविटी कहाँ से आ गया? अरे अंडो। ग्रेविटी सर। फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी। ग्रेविटी थ्रू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी। सिग्मा एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एज शोन इन द फिगर। डायग्राम बनाया जानवरों? डायग्राम बनाया नहीं? हाँ। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्पीयर ड्यूरिंग फॉलिंग इज, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्पीयर ड्यूरिंग फॉलिंग इज, फॉलिंग मतलब समझ रहे हो ना, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड फोर्स खाली क्या था अपने पास? एमजी वेट। एम को रिप्लेस करेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। किससे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बाकी सब जिंदा हो? यस सर। बेचारे कुछ बोलते हैं। यस सर है जिंदा। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ग्रेविटी। यस और नो? हाँ सर। तो गाइस ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1। अब अपवर्ड फोर्स में क्या क्या था? अप थ्रस्ट एंड
विस्कस फोर्स। अब थ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स, तो यहाँ पर दो चीजें हम लोग यूज कर लेंगे। वेट mg, अब थ्रस्ट की वजह से जो बॉडी का वेट है वो ऊपर जा रहा था इसलिए उसकी जगह पे mg, और विस्कस फोर्स क्या था 6πηrv स्टोक्स लॉ का, ठीक है। वापस m को रिप्लेस करेंगे किससे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी प्लस 6πηrv, समझे। अब इसके बाद इसके बाद गाइस वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे 4/3πr³ इनटू डेंसिटी ग्रेविटी। गाइस यहाँ पे रो नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिग्मा, क्योंकि अब थ्रस्ट है ना तो लिक्विड के विस्कस के वजह से वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्लस 6πηrv। तो हमारे पास यहाँ पे कितने फोर्सेस हो गए, दो, दोनों को कंपेयर कर लेंगे हम लोग। कंपेयर इक्वेशन 1 और 2 सर एक बार कंपेयर करेंगे, क्या हुआ गाइस। अपवर्ड फोर्स में दो चीजें हैं, उस वो जो बॉल है उसका वेट ऊपर जाएगा इसलिए mg यूज कर लिया, और विस्कस फोर्स की जगह पे 6πηrv। m को रिप्लेस किया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यहाँ पर भी डेंसिटी ना सिग्मा है, सॉरी, ठीक है। ये सिग्मा किसकी डेंसिटी है, सिग्मा किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की, लिक्विड की, ओके। और प्लस 6πηrv एज इट इज, वॉल्यूम को रिप्लेस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³ डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। अब 1 और 2 दोनों ही फोर्सेस हैं, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे इक्वेशन क्या होगा, 4/3πr³ सिग्मा ग्रेविटी प्लस 6πηrv which is equal to 4/3πr³ density gravity, right? सुने सब लोगों ने। अब गए 6πηrv को as it is रखो, और बाकी ये पूरा जो step है ये वाला, इसको equal के दूसरे side भेज देंगे, तो क्या होगा 4/3πr³ rho gravity minus 4/3πr³ sigma into gravity, yes or no? Yes sir. Yes. लिख लो यहाँ तक, लिख लो यहाँ तक। सर एक बार स्टेटमेंट बताओ ना सेकंड पॉइंट का। किसका? सेकंड फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर वाला। रिद्धि ये जो mg है उस स्पीयर का वेट ऊपर जा रहा है ना किसकी वजह से, विस्कस फोर्स की वजह से, तो mg अप थ्रस्ट मतलब mg, ओके हां सर। और विस्कस फोर्स क्या फाइंड आउट किया था स्टोक्स लॉ में, 6πηrv ना? नहीं सर मैं स्टेटमेंट पूछ रही हूँ। कोई स्टेटमेंट नहीं है, लिखो डायरेक्ट। And let me know when you finished. When you're done, then let me know, huh?
गाइज ऊपर का स्टेप रब कर दूं ऊपर का. यस सर. यस सर. अब कॉमन क्या हो सकता है? प्लस माइनस में कॉमन होता है ना. हाँ सर. नाउ स्टॉप राइटिंग ऑल गाइस. कीप दैट 6 पाई ईटा आर वी एज इट इज राइट. 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इनटू ग्रेविटी. ओके नाउ विल चेक की कैंसिल क्या क्या हो सकता है. पाई पाई कैंसिल हो गया राइट. एक सेकेंड गाइस हम इसको भी ना स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर ही ले लेते हैं क्योंकि उसी स्फीयर का रेडियस है ना ये भी. हाँ सर. सर तो हाँ हाँ 4 upon 3 वो सब कैंसिल नहीं करेगा पहले स्टेप पे. भाई कॉमन होता है प्लस माइनस में कैंसिल नहीं होता. ठीक है आप लगे करे तुम okay, लोगों को okay, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा. हार्ट अटैक आया ना मेरे को तो याद रखना तुम लोग का नाम लिख के जाऊंगा मैं. अब अगर हम लोगों को यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है सो वी विल कीप दैट बी एज इट इज. अब गाइस यहाँ पे बचा क्या क्या है. 6 ईटा. ठीक है 6 ईटा को इस साइड भेज दूंगा तो 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 ओके इनटू ईटा. ऊपर क्या बचा है आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इनटू ग्रेविटी. यस और नो. Yes, sir. इसको 2 से और यहाँ पे 3 3 3 जा 9 मतलब 2 अपॉन 9 इंटू आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू ग्रेविटी अपॉन ईटा. ठीक है तो गाइज ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला. अब यहीं से हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा. जरा ध्यान देना अगर कोई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यहाँ से फॉर्मूला फाइंड आउट करूँ तो क्या मिलेगा. ईटा ऊपर गया अभी नीचे आएगा 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इनटू ग्रेविटी अपॉन वी. तो ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है. सुना सब लोगों ने. yes. और गाइस कल के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर. ओके यस सर. लिख लो. When you guys done, then let me know, huh? Done, sir. Done all? Done, sir. Done, sir. No, sir. We'll stop here, everyone. Okay, sir. Bye. Sir, aap chal Bye, sir. Le Thank you, sir. Kya hua? Sir, jaldi khatam ho gaya. Aap 4 baje tak le rahe the. Jao, tum log jee lo apni zindagi. Tum log bhi kya yaad karega? किसको याद करोगे. मेरे को क्या पता किसको याद कर रहे हो तुम लोग. कैसा गुंडा बनेगा रे खुशहाल. सर आ क्या बोले सर. कुछ नहीं खुशहाल जाओ जाओ जियो जाओ. बाय सर. थैंक यू सर.
बाय एवरीवन, बाय ऑल, बाय सर, थैंक यू सर।